हेलो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल शो यू डॉग्स किड्स एंड कम वी आर सम डेज बैक गाइस डॉग किड्स हैं ये, और कुछ दिन पहले डॉग्स ने ये किड्स दिए हैं और अभी गाइस ये सेफ साइड पर हैं, ठीक। और आप देख सकते हैं ये वेरी स्मॉल हैं, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली ये 6 हैं और लुकिंग वेरी क्यूट। ठीक है, ये यहाँ से उतारा है ताकि गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, यहाँ से हवा आ सके, ठंडी हवा। और अभी इस लकड़ी के पीस को जो है गाइस फाइनल उतार लिया है और इसको जो है गाइस एक साइड पे रख देते हैं ताकि इसमें कील है और कील ताकि लग ना सके। हेलो गाइस, टुडे वी आर रिपेयरिंग चारपाई एंड चारपाई के जो है अभी नवार जो है इसके पीसेस करेंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम चारपाई रिपेयर कर रहे हैं और चारपाई की रिपेयर के लिए अभी कटिंग कर रहे हैं नवार की, और तकरीबन जो है नवार के 12 पीस जो है एक साइड के कट हो चुके हैं और तकरीबन दूसरी साइड के जो है 26 जो है पीसेस को अभी हम कटिंग कर रहे हैं और कटिंग जो है अभी बाकी है। कितने पीस अभी बाकी कट करने, कितने रह गए? हाँ, 12 हाँ, 12 बड़ी 26 छोटी हो गए ना, अभी सारी कटिंग हो गई है तकरीबन, बाकी जो है अभी कटिंग करते हैं। गाइस, आप व्लॉग में साथ ही रहिए। गाइस, इसमें भी एक साइड के 12 पीसेस हैं और दूसरी साइड के 26 पीसेस हैं, इसीलिए इनको अलग अलग कट किया है ताकि एक साइड पे पहले फिक्स किया जा सके। गाइज, पहले साइज चेक कर लेते हैं एक बार कि इस तरह जो है इसको फिट करना है, और अभी कटिंग के बाद जो है साइज़ पता चल चुका है कि इस साइज़ में बाकी पीसीज को सेम टू सेम कट करना है ताकि फिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। गाइज, अगर डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो कटिंग में पीसीस बड़े छोटे हो सकते हैं, इसलिए गाइज इसका पहले साइज ले लिया है कि इसी साइज में इनको कट करेंगे। अब गाइस फाइनल एक स्क्रू से फिट करके चेक करते हैं। गाइस, इस स्क्रू से चेक करने का ये बेनिफिट है कि हम जब फिटिंग करेंगे तो स्क्रू जो है ठीक से फिट हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ठीक। तो इसीलिए इस कट किए गए पीस को फाइनल जो है स्क्रू से टाइट करेंगे ताकि चेक किया जा सके कि जब सारे पीसेस को हम कट कर लेंगे तो इसके बाद सारे पीसेस आसानी से फिट आ सकें स्क्रू के ज़रिए। तो गाइस, एक स्क्रू को अभी फिट करते हैं, ठीक, और चेक करते हैं कि ये ठीक से फिट हो सक रहा है या नहीं। गाइस, फाइनली ये ठीक से फिट हो रहा है और इसी साइज़ में हमने बाकी पीसेस को अभी कट करना है। अभी गाइज टीवी रेडी है, और इसी तरह गाइज अगर आपके पास भी फोल्डिंग वाली चारपाई है तो इसी तरह आप स्क्रू के ज़रिए कट कीजिए फोल्डिंग वाली चारपाई के पीसेस को, अगर वो ख़राब हो जाए, बैड हो जाए, ठीक। तो इसी तरह अभी फाइनल जो है मज़ीद पीसेस को हम अभी कट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली गाइज एक साइड पर 26 पीसेस और दूसरी साइड पर 12 पीसेस हैं, और इसको गाइज सेम टू सेम कट करना चाहिए ताकि अप डाउन ना हो जाए साइज़ में, और अप डाउन हो जाए तो गाइस इतना इशू नहीं है, लेकिन जो है केयर करें। गाइस, कटिंग के दौरान कैंची ठीक होनी चाहिए ताकि कटिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, और अब जो है गाइस कुछ पीसेस को फाइनल कट किया जा चुका है और कुछ ही पीसेस बाकी रह चुके हैं। गाइस, इस नवार को जो है इजीली आप परचेज कर सकते हैं, ठीक, और इसी तरह रिपेयर जो है आप कर सकते हैं इफ़ आपकी अगर चारपाई बैड हो जाए, ख़राब हो जाए,
और गाइस द फाइनल इसमें इतने ज़्यादा पीसेज नहीं, और कुछ ही पीसेज को हम अभी कट कर चुके हैं और 26 पीसेज मज़ीद अभी रहते हैं। गाइज ओल्ड चारपाई से भी आप जो है पीसेज की मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसमें किस किस्म की मेजरमेंट थी, या तो फिर आप डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं पीसेस को। और अभी हमने डायरेक्ट मेजर किया है और इसी तरह उसी साइज से हम मज़ीद कटिंग कर रहे हैं। टेस्ट करवानी पड़ती है कैंची, एक बार टेस्ट हो जाए ना। गाइज इसी तरह जितने पीस कट हो जाए उनको एक साइड पे रखें साइज़ के मुताबिक, क्योंकि दोनों साइड्स पे पीस जो हैं गाइज अलग कट होंगे मेजरमेंट के मुताबिक, और साइज़ एक साइड का जो है कम होगा और दूसरे साइड का ज़्यादा होगा। आप जब मेजरमेंट करेंगे तो इस चीज़ को गाइज ध्यान से देखिए। ये 26 है, वो 12 है, 26 लंबाई में होंगे ना, 12 इस तरह। फाइनल गाइस जो 26 और 12 हैं और इसी तरह पीसेस हमने अभी करने हैं। छब्बीस हैं, चेक करें कितनी पूरी होंगी। 26 कितनी, 10 हैं, फिर 16 और काटनी है आपने, कम पड़ेगी मुझे लग रहा है। 11 गाइज अभी 10 हैं और बाकी 16 पीसेस मजीद करने हैं, और इसके बाद बेड की चारपाई की कंडीशन बेटर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नहीं ना, पहले एक साइड की लगेंगी फिर दूसरी साइड की, पहले लंबाई में लगेंगी फिर चौड़ाई में। इस एक पीस को मजीद कट किया है 13। छब्बीस पूरी तो हो जाए ना, 26 पूरी हो जाए। अभी गाइज एक बार इनकी फिर काउंटिंग करते हैं, और अभी काउंटिंग में पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने पीस हम अब तक कर चुके हैं। तो गाइज फाइनल इतने ही पीसेस हैं और इनको अभी काउंट किया जा चुका है, और अभी एक पीस की मज़ीद मेजरमेंट करते हैं। गाइज काफ़ी सारे पीसेस हो चुके हैं और एक पीस की मज़ीद कट किए हुए पीस के जो है मज़ीद मेजरमेंट कर लेते हैं, और इसके बाद जो है फाइनल इनको फिट करना स्टार्ट करते हैं ताकि बेड चारपाई रेडी हो जाए। कितने हो गए अभी, गाइज वी आर ड्रिंकिंग अगेन टी, और वेदर गाइज काफ़ी ज़्यादा हॉट है, और टी के साथ गाइज सवाइयाँ हैं, ठीक है। और गाइज रेन का जो है वेट एवरीवन कर रहा है, ठीक है, ताकि बारिश हो जाए, मौसम सेट हो जाए, ठीक। और बाकी जो है गाइज चारपाई बेड का काम जो है पेंडिंग में अभी, ठीक है, उसको अभी जो है गाइज वर्क को कम्प्लीट करना है। और गाइज फाइनल अगेन वी आर ड्रिंकिंग टी विद सवाइयाँ, ठीक है। और गाइज मौसम जो है वेदर when will change we don't know,
एंड वी कैन ओनली प्रे कि मौसम चेंज हो जाए, ठीक है। और गर्मी जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। तो अभी गाइस टी पीते हैं, ठीक है, टी ड्रिंक करते हैं सभीयों के साथ। और गाइस आज का वीलॉग आपको कैसा लगा हो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।